देश व जनता को ऊंचे शिखर पर पहुंचाने के लिए जरूरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केशव प्रसाद मौर्य। जनपद सिद्धार्थनगर के जिला जेल के सामने प्रांगण में आयोजित जनसभा के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डुमरियागंज के सांसद जगदम्बा पाल रहे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हार पहनाकर स्वागत किया गया और बुद्ध की प्रतिमा देकर भेंट की गई। तत्पश्चात दीप जलाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डुमरियागंज सांसद जगदम्बा पाल ने कहा, सिद्धार्थ को एक नई पहचान और विकास किए गई है तो भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने की है और आज भी सिद्धार्थ नगर को बहुत कुछ मिलेगा। ये आशा हम डिप्टी सीएम से करते हैं जिसमें जनपद के कई सड़कों का नाम भी शामिल किया। सड़क के चौड़ीकरण डबल लाइन के लिए बढ़ती क्रम में केशव प्रसाद मौर्य द्वारा जनपद की हर मांग को पूरा करने का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने आश्वासन दिया और प्रशासन को अवगत कराते हुए एक सप्ताह में परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए फाइल की मांग की। इसका आंतरिक विषय है, कोई भी आ जाए। अमित पीछे करो कैमरा, कोई फर्क नहीं। अमित पीछे करो, खिलाफ करके माननीय मोदी जी को 2019 में फिर से प्रधानमंत्री के पद पर उनको देखना चाहती है और वह भाजपा ही नहीं बल्कि कहीं देश की जनता देखना चाहती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के विकास के लिए और समग्र विकास के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो काम हुआ है, उस काम का इतना प्रभाव है कि सारे विरोधियों को समझ में नहीं आ रहा है। जो 2014 में अलग अलग लड़े थे, सब कह रहे एक हो जाओ नहीं मोदी जी फिर से आ जाए। यह डर स्पष्ट करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है और उस काम का जवाब उनके पास नहीं है। विपक्ष मुद्दा विहीन। माननीय मंत्री जी, आप विकास की बात और सड़कों का जाल निकालने की बात करते हैं लेकिन यहीं पर एक ऐसे अधिकारी हैं जो लेबर के एक सीएम है, कभी ऑफिस में बैठते ही नहीं। उनका नाम मुन्नी लाल जी है, बिल्कुल नहीं बैठते हैं, कभी दिखाई भी नहीं देते। हम ऐसा व्यवस्था करें हो गया, लेकिन कल कारखाने ना इसके बारे में देखिए और जो जरूरत होगी कार्रवाई करें। कल कारखानों आप लोग क्वेश्चन के लिए एक यहाँ पे पहले वो जमीन अधिग्रहित हो गई तो इनको पैसा भी आप ये बताएं, सिद्धार्थ नगर में फैक्ट्रियाँ नहीं है, सिद्धार्थ नगर में फैक्ट्री नहीं है, उद्योग नहीं है, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं पढ़ाई के लिए, इस पे आप क्या करेंगे? ये 4.5 साल और 2 साल के कारण नहीं है, ये सब कांग्रेस और युवा भतीजे के कारण से सिद्धार्थ नगर की दुर्दशा थी। देखिए, भगवान बुद्ध की धरती है और इस धरती का महत्व तो हमारे लिए बहुत अधिक है। जैसा कह लीजिए कि हमारे लिए राजधानी का महत्व है।